दोस्तों, भारती के 147 मजदूर एक साल एक महीने हो गए वो जेल में हैं। उनके ऊपर जो मुकदमे दायर किए गए उस मुकदमे में अधिकतम 20 दिन के भीतर उनको बेल मिल जाना चाहिए। आज एक साल एक महीना से ऊपर हो चुका है, उनका बेल खारिज करते हुए जो जज ने बात कही थी वो सुनने लायक। उन्होंने कहा कि यदि हम उनको छोड़ दिए तो इससे विदेशी निवेश का जो माहौल बन रहा है उस पर खतरा आएगा। दोस्तों, कमल भारती ने जो फेसबुक पे लिखा उससे उनको सांप्रदायिक दंगे का खतरा नजर आने लगा। उसी यूपी में, बरेली में, प्रतापगढ़ में, मुरादाबाद में जिस तरह मुस्लिम समुदाय को पुलिस और वहाँ के जो संघी ताकतें हैं जिस तरह खदेड़ करके जिस तरह पूरा गांव का गांव जलाते हुए गए और मारा है, उससे अखिलेश सरकार को किसी सांप्रदायिक सद्भाव का उल्लंघन नहीं दिखता है। आज तक उसका कोई न्यायिक जांच भी नहीं हुआ है और आज तक उसमें हुई गिरफ्तारी पे कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। दोस्तों, वहाँ पे बड़े पैमाने पे मुस्लिम युवा उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार है, आज तक उनको छोड़ने का जो वादा किया मुलायम गवर्नमेंट ने आज तक उसको पूरा तक नहीं किया। खुद अपने घोषणा पत्र में उसी जिस तरह साथी बता रहे थे कि एक वहाँ पे सिर्फ लेखन के चलते जो मुकदमे में दर्ज था और जो वहाँ पे कोर्ट में पेश किया गया, हम उसी आधार पे बोल रहे हैं कि सीमा आजाद के ऊपर दो मामले ऐसे थे जिसमें ये बताया गया था कि उन्होंने देश के खिलाफ लिखा है। देशद्रोह के मुकदमे में यह भी एक इशू जुड़ा हुआ था। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, जैसा बताया जा रहा है कि पूरे देश की स्थिति है। आंध्र प्रदेश में अभी बमुश्किल 1.5 महीना गुजरा है, वहाँ पे एक LRC के सलाहकार मंडल के साथी घंटी प्रसादम को गोली मार करके हत्या कर दी गई। उसी दौरान वरवर राव को आप सब जानते हैं, वरवर राव एक क्रांतिकारी कवि और लेखक और एक्टिविस्ट है, वरवर राव को मारने का पूरा साजिश रचा गया। एक पूरी एक श्रृंखला है दमन की। सबसे अच्छी बात है कि लोग खड़े हैं। जब मुक्तिबोध लिख रहे थे कि अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे, तो दोस्तों जिस समय वो लिख रहे थे उस समय अभिव्यक्ति के खतरे थे और आज उससे भी बड़े खतरे उपस्थित हो गए हैं। आज जो अभिव्यक्ति का खतरा क्यों बन रहा है, एक फेसबुक पे एक छोटा सा कमेंट कमल भारती को जेल तक पहुंचाता है, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, तो इसके पीछे निश्चित रूप से यह सरकार इतनी करप्ट, इतनी कमजोर और इतनी लिचलिजी हो चुकी है कि ये अपनी जान बचाने के लिए जो लेखक है, जो एक्टिविस्ट है, जो पत्रकार है, उन पे हमला करने को उतारू है। ऐसे समय में जो सती संजीव ने अपील किया है कि हम सारे जो लेखक संगठन है, जो पत्रकार है, जो इस अभिव्यक्ति के इशू पे एकबद्ध होकर के सामने आने की जरूरत है, हम इस एकता में और इस संघर्ष में साथ खड़े रहेंगे। इसी आवाज के साथ हम फिर कमल भारती को सैल्यूट करते हुए कि वो अपने अभिव्यक्ति के सवाल पे मजबूती से अभी खड़े हैं और अपनी आवाज उठाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। उनके संघर्ष के साथ हम लोग हमेशा साथ खड़े रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथी अंजनी। हम लोगों के बीच जनवादी लेखक संघ के महासचिव श्री चंचल चौहान जी हैं।